नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी चुनाव से पहले एएपी ने अखिलेश की बढ़ाई टेंशन, 40 विधानसभा सीटें मांगे, गठबंधन की जल्द घोषणा करने का दबाव। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में कामयाब हुए सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी को दिया छत्तीसगढ़ आने का न्योता। रोहित शर्मा हुए आउट तो मैदान पर बल्ला लेकर हेलमेट पहन पहुंचा, एम्पायर ने किया मैदान से बाहर। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, होगी भारी बारिश, दिल्ली में हुआ येलो अलर्ट जारी। पटना में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सीएम नीतीश ने किया बड़ा फैसला, अरबों रुपए होंगे खर्च। फरुखाबाद चुनावी रंजिश व वर्चस्व की लड़ाई में भाजपा मंडल अध्यक्ष व पुलिस की मिली भगत के चलते लगातार ग्रामीण उत्पीड़न हो रहे हैं, ग्रामवासी पलायन करने को मजबूर हैं। पीड़ितों ने अपने घर के बाहर दीवार पर पोस्टर लगाए हैं कि वो भाजपा मंडल अध्यक्ष के उत्पीड़न से परेशान हैं। वहीं ये भी कहा है कि इसी कारण गाँव से पलायन करने को मजबूर हैं, इसलिए ये मकान बिकाऊ है। थाना अध्यक्ष राजन विक्रम सिंह ने बताया कि जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियादी हैं, मामले की जांच की जा रही है। परेशानी का अभी 4-5 दिन पहले हमारा ट्रैक्टर यहीं पे खड़ा था और इंस्पेक्टर हाथ साहब आए, बोले ये ट्रैक्टर चोरी का, यहाँ से ले गए। ट्रैक्टर ले जाने के बाद जब उनके पास गए, जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला बोले इसके कागज लेके आओ। हाँ, जब कागज लेके गए तो बोले इसको अभी नहीं खोलेंगे, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, ऐसे करके करके 10-12 दिन चलते रहे। और क्या परेशानी है? और परेशानी ये कि आए दिन ये लोग शिकायतें करते हैं। कौन ये सत्यवर्धन? कौन है सत्यवर्धन? ये मंडल अध्यक्ष। इनसे क्या रंजिश चल रही है? रंजिश कोई रंजिश नहीं, अब ये पूरे गांव में अपना दबदबा बनाए हुए, आए दिन किसी ना किसी को मारपीट करना। हम इन लोगों से बहुत परेशान है, इन लोगों से परेशानी भाई। हम पुलिस के पास नहीं जाते हो? पुलिस क्या कह रही? पुलिस कुछ नहीं कह रही, पुलिस क्या करे? पुलिस जाते हैं वो सुनते ही नहीं हमारी, पुलिस सुन नहीं रही है ना। उल्टा धमकी देते हैं, क्या वही करते हैं, तुम कुछ नहीं करते, हमारी शिकायत झूठी साथी डाल देते हैं, वो बताते नहीं कौन डालता है, किसी की शिकायत, कल हमारी लाइट की शिकायत डाल दी, लाइट की शिकायत डाल दी, कहीं फर्जी लाइट चला रहे हैं। हाँ, खाना खुद करते हैं और दूसरों का नाम रख रहे हैं, तो इसी वजह से गाँव छोड़ के जा रहा है। क्या करें, मजबूरी, हम लोग कहाँ तक पाए, अत्याचार इतना कर रहे हैं। पुलिस वालों से पूछते हैं ये बताओ तो नाम बताओ किसने किया, तो वो बताते नहीं, इसका मतलब वही झगड़ा कराते हैं। बदायूं जनपद के कछला के रहने वाले पति ने पत्नी की हत्या के लिए बहनोई ने बालाजी दर्शन के लिए बनाया था प्रोग्राम। पति रवि ने दो बाइक सवार बदमाश हायर किए, बाइक सवार दो बदमाशों ने पत्नी को गाड़ी से उतारकर गला काटकर हत्या करने की कोशिश की। पत्नी को मरा समझ छोटी बच्ची सहित झाड़ियों में फेंक कर बदमाश भागने लगे। झाड़ियों में घायल पड़ी हुई महिला की पुलिस को जानकारी होने पर पुलिस ने नव घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आज जो महिला के होश में आने पर पीड़ित महिला ने आपबीती बताई। पूरा मामला एटा के थाना सकरौली क्षेत्र के गांव इसौली के पास झाड़ियों का है। से शादी कर दी है मेरे पति ने और ऊपर से मुझे दर्शन कराने के बहाने ले जाकर वहां जान से मरवाने की कोशिश की। कहां पर, किस जगह का मामला है? नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एटा से दूर निकल गए थे। पति ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको? मुझे नहीं मालूम। कहाँ शादी हुई थी आपकी? कछला। खास कछला? हाँ। कहाँ पे ले जा रहे थे दर्शन कराने? मुझे मेहदीपुर बालाजी कह के घर से ले गए और रास्ते में मेरे पे हमला हुआ है। आप क्या पहचानती हैं उन्हें, जिन लोगों ने हमला किया है? जी नहीं, नहीं। मुँह बंधा हुआ था। कितने लोग थे वो? दो लोग बाइक से। आपके पति भी साथ में थे उस टाइम? मेरे पति मेरे साथ थे, लेकिन जब उनने मेरे हमला किया तो मेरे पति गाड़ी लेके भाग गए। गाड़ी खुद चला रहे थे? हाँ। और उसमें अंदर मेरी बच्ची भी थी। बच्ची भी ले गए हो? हाँ, बच्ची को भी ले गए थे, लेकिन बच्ची को लेके आए जब पुलिस के द्वारा मुझे मेरी बच्ची मिली और मेरी ये हाल कर दी है, ना मैं अपनी बच्ची देख सकती हूँ। बता जा रहा, दूसरी शादी हुई थी आपकी? सब कुछ मालूम था, उनकी भी दूसरी शादी है। उनकी भी दूसरी शादी? आपकी भी? मेरी भी दूसरी है। इससे पहले आपकी शादी कहाँ हुई थी? इससे पहले मेरी शादी कहाँ हुई थी? 3 दिन से गायब हुए 30 वर्षीय युवक का शव
वजीराबाद जंगल में आम के पेड़ पर लटका मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिले में भोपा थाना क्षेत्र का है। कब से गायब था? 3 दिन से। किस बात को लेके गायब था? जुआ खेलने को मना कर रहे थे, ये मानना नहीं था। पुलिस वगैरह को शिकायत की थी आपने इसकी? नहीं जी, किसी को नहीं करी। क्यों? हमारा रिश्तेदारी में ढूंढ लो था। हालत पहले भी गया कोई लड़वा के घर से? नहीं। किसी पे कोई शक किसी किस्म का? ना। इटावा जनपद के थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत आगरा फोर्थ डिपो की रोडवेज बस जो कानपुर से आगरा की ओर जा रही थी, अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें बच्चे समेत 3 सवारियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और लगभग 30 सवारियां घायल हो गईं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि कानपुर से आगरा की ओर एक रोडवेज बस जा रही थी। स्पीड अधिक होने की वजह से ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाया और एक सामान लदे हुए ट्रक में जा टकराई। ये घटना बस के ड्राइवर के नींद आने से हुई है। गंभीर घायलों को शेफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा यातायात सामान्य कर दिया गया है। सभी घायलों का उपचार पुलिस के सहयोग से करवा रहे हैं। अभी रात में करीब 1:30-2 बजे के करीब के माध्यम से सूचना आई थी थाना बकेवर क्षेत्र में नेशनल हाईवे पुल के आगे एक ट्रक और बस में एक्सीडेंट हुआ। पूरा घटनाक्रम यह है कि ये बस कानपुर से आ रही थी और जो बताया गया है द्वारा वो आगरा जा रही थी और ये काफ़ी स्पीड में आ रहा था। इसके आगे एक ट्रक था ट्रॉला सामान का, वो एक किनारे पे खड़ा हुआ था। संभवतः नींद में झोंके हुए ड्राइवर, जो बस वाला ड्राइवर है, वो नियंत्रित नहीं कर पाया और पीछे से उस ट्रॉले में टक्कर लगी है, जिसमें अभी तक 3 लोगों के हताहत होने की सूचना है। बाकी सभी लोगों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें PGI सैफई रेफर कर दिया गया है और वहाँ यातायात सामान्य कर दिया गया है पुलिस पार्टी द्वारा, और यहाँ पर भी निरंतर सभी घायलों का उपचार डॉक्टर और जो पुलिस टीम है वो सहयोग करके करा रहे हैं। और बाकी जो लोग गंभीर रूप से उन्हें सैफी भेजा जाए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि क्या प्रोसेस रहे होंगे इसके पीछे? प्रथम दृष्टया ट्रक आगे ट्रक था, पीछे से बस ने मारा है, तो जो ड्राइवर है संभवतः हो सकता है नींद के झोंके में हो। जैसा कि जो सवारी है उनसे भी जो पूछताछ हुई है उनके द्वारा बताया गया है कि काफ़ी तेज़ बस को ला रहा था, बीच में एक आध जगह रोका भी इसने टॉयलेट वगैरह के लिए। बाकी जांच का विषय है। सर कितने लोग कुल घायल हुए हैं? अभी लगातार गिनती चल रही है, करीब 25 से 30 के बीच में घायल लोग आए हुए हैं। कुछ लोगों को चोट नहीं लगी है, क्योंकि जो मौके पर मैंने देखा है बस की एक साइड ज़्यादा डैमेज हुई है, जिसमें जो वहाँ उस एरिया में बस में रहे होंगे उन्हें ज़्यादा क्षति पहुँची है। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।